हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लानिटेरियम। मैं पल्लवी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी में होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जो आप यूज़ कर सकती हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और देखते रहना मॉमीज प्लानेट इंडिया। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के बाद भी जो गैस की प्रॉब्लम वो बनी रहती है। रीज़न क्या होता है कि जब प्रेगनेंट बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है बॉडी में, स्पेशली जो आपका स्टमक है वहाँ सबसे ज़्यादा चेंजेस आता है, तो जो गैस की प्रॉब्लम है बहुत कॉमन हो जाती है। इनफैक्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी बनी रहती है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी कुछ दिन तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ मेडिसिन लिए प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो बस बोलेंगे आप फूड हैबिट चेंज करो, अपना चेक करो क्या किस फूड से प्रॉब्लम है, ध्यान दो ये ठीक हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में ताकि अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो उसका क्योर आप कर सकें। सबसे पहली जो होम रेमेडी मैं बताने वाली हूँ आपको, वो है डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा कम यूज़ करें, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, क्योंकि बहुत केसेस में देखा जाता है डेयरी प्रोडक्ट की वजह से भी गैस बनता है। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दूध से बहुत ज़्यादा एलर्जी सी हो गई थी, मैं अगर थोड़ा सा भी दूध पीती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती थी और कई बार स्टमक भी काफ़ी मतलब ख़राब हो जाता था। तो आपको नोटिस करना है कि आपको किस चीज़ से गैस बन रही है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट की वजह से गैस फॉर्म कर रही है तो आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, अभी आपको फ्लूड ज़्यादा लेना है। फ्लूड लेने का मतलब हुआ कि पानी का इंटेक खूब करना है। अभी आप आराम से जूसेस ले सकती हैं, कोई भी पीने की चीज़ें लें ताकि आपकी बॉडी में पानी जो है वो भरपूर मात्रा में रहे, बिकॉज़ अभी बॉडी में जितना ज़्यादा पानी लेंगी उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगी, इसलिए फ्लूड का इंटेक आप बढ़ा दें तो आपको गैस की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। तीसरी चीज़, तेल मसाला अवॉइड करना है। ये हमेशा कहा जाता है बट यकीन माने अगर आप मसालों का सेवन कम करेंगे तो आपको गैस की प्रॉब्लम कम होगी, बिकॉज़ जहाँ आप एक तला हुआ पकौड़ी भी खाती हैं तो तुरंत से आपको जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता है, इसीलिए आपको कुछ दिन ये चीज़ें अवॉइड करनी है। चौथी चीज़, अजवाइन पानी पिए। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको क्या करना है, एक कप पानी अच्छे से लो, उसमें आप एक चम्मच अजवाइन डालो, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालो और अच्छे से बॉयल करने दो। उसके बाद आप उसको छान के हर मील के बाद लो, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप दोपहर के खाने के बाद गुनगुना ही उसे सिप करके पियो, ये बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करता है। मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, मैं जब भी अजवाइन का पानी पीती थी मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था। इनफैक्ट आप नोटिस करते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ भी उन्हें ये पानी दिया जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सलाह दूंगी आप हर मील के बाद अजवाइन पानी एक कप गुनगुना ज़रूर पिए। पाँचवीं चीज़, आप खाने में हींग का प्रयोग बहुत करो। इनफैक्ट आप जो दाल बनाते हैं उसमें हींग का छोंक ज़रूर दो, हींग बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, पेट तना हुआ लग रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी हींग में एक दो ड्रॉप पानी डालें, उसको अच्छे से मिक्स करें, जब वाइट लिक्विड बन जाए तो नाभि के चारों ओर लगाएं। ध्यान देना है चारों ओर लगाना है, नाभि के अंदर नहीं लगाना है। तो इससे क्या होगा, जो गैस की प्रॉब्लम आपको हो रही है, काफ़ी पेन हो रहा है पेट में, वो कम हो जाएगा और आपको बहुत ही राहत मिलेगा। छठी चीज़, बटर मिल्क पिए। जी हाँ, बटर मिल्क को हमारे यहाँ बोलचाल में मट्ठा भी कहा जाता है, ये बहुत ही फ़ायदा करता है। इसमें आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मिला के आराम से पिए, ये बहुत ज़्यादा रिलीफ करेगा गैस में। इसे आप ठंडा पिए, ये बहुत ज़्यादा पेट को राहत देता है और गैस की जो प्रॉब्लम होती है, हमेशा गैस फॉर्म करता है, पेट तना हुआ लगता है, अनईजी लगता है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सातवीं चीज़, जब भी आपको पेट तना हुआ लगे या फिर बहुत ज़्यादा अनईजी लगे तो वॉक करें। वॉक करने से क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा अगर गैस इधर उधर फंसी रहती है तो वो पास हो जाता है और बॉडी बहुत ही रिलैक्स फील करता है। इसीलिए आपको स्पेशली प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा बैठे नहीं, बहुत ज़्यादा लेट के ना रहे, एक्टिव रहें, वॉकिंग ज़रूर करें। वॉकिंग से ऐसे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, फील आप अच्छा करेंगी और जो गैस की प्रॉब्लम है बहुत ही कम होगी। कई बार देखा जाता है जो लोग बेड रेस्ट पे रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वो बैठे रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनको बहुत ज़्यादा ये गैस की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको एक्टिव रहना है, हमेशा वॉक करना है, पानी का इंटेक खूब करना है, अजवाइन का, हींग का, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है, तभी आपको जो बार बार गैस की प्रॉब्लम हो रही है उससे आपको निजात मिलेगा। तो ये सारे कुछ सॉल्यूशन है जो मैंने अप्लाई किए थे जब मुझे प्रॉब्लम होती थी। आई होप अगर ये वीडियो आप देखेंगी तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और देखते रहें मॉमीज़ प्लानेट इंडिया। थैंक यू।